तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस महाशिवरात्रि के मौके पर रिलीज हुई तेलुगु फिल्म श्रीकरम के अभी तक के शुरुआती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और दोस्तों जानेंगे कि श्रीकरम फिल्म ने अभी तक शुरुआती 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड कितने रुपए का कलेक्शन करा और यह फिल्म अपने 6ठे दिन कितने रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि श्रीकरम फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है किशोर रेड्डी ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सर्बानंद और मुरली शर्मा। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही तो काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर से काफ़ी बढ़िया ओपनिंग भी करी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर से पूरी तरह से दम तोड़ दिया। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन करा है टोटल 12,24,00,000 रुपये का। वहीं इस फिल्म के शुरुआती 5 दिनों का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है लगभग 14,30,00,000 रुपए का। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म ने अभी तक ओवरसीज यानी कि इंडिया के बाहर से टोटल कमाई करी है लगभग 70,00,000 रुपए की। तो दोस्तों इसी के साथ श्रीकरम फिल्म का शुरुआती 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है लगभग 15,00,000 रुपए का। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 6ठे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म अपने 6ठे दिन बॉक्स ऑफिस पर से कुछ खास कलेक्शन नहीं कर रही है। जी हां दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आज इस फिल्म को मॉर्निंग के शोज में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली लगभग 11% की। वहीं इस फिल्म के आफ्टरनून के शोज की ऑक्यूपेंसी रही लगभग 14% की। और दोस्तों इस फिल्म के इवनिंग के शोज की ऑक्यूपेंसी रही लगभग 15% की। वहीं दोस्तों इस फिल्म के नाइट के शोज की ऑक्यूपेंसी रही लगभग 15% की। तो दोस्तों इसी के साथ जो अभी तक जो डाटा सामने निकल कर आया है उसके मुताबिक श्रीकरम फिल्म अपने 6ठे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 60-70,00,000 रुपए का। और दोस्तों जिस तरह से श्रीकरम फिल्म ने अपने शुरुआती 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर से कलेक्शन करा है उसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म आने वाले समय में एक डिजास्टर फिल्म साबित हो सकती है क्योंकि दोस्तों अभी तक यह फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई है। और दोस्तों इसी के चलते लग रहा है कि यह फिल्म आने वाले समय में एक बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित रह सकती है। हालांकि दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख ली तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।